अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। चलिए सर, फटाफट फटाफट भाभी से मिलने चलते हैं। चल भैया, कुछ ऐसा करो ना कि हम उन्हें वापस लाने के लिए उन्हें लेने जाएं। हेलो तेज, फोन मत काटना प्लीज। किसका फोन है? हेलो दादाजी, तूने फोन मुझे ऐसे क्यों थमा दिया जैसे तू उसे जानता ही नहीं? उसने तुम्हारे इस रिश्ते की दौर को अभी भी कस के थामा हुआ है। तेज, पहले फोन पे मेरी खामोशी सुनने तक के लिए फोन लगा के बैठ रहते थे, और अब मुझसे बात तक नहीं करनी है तुम्हें? दोस्ती, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? राजन के घर वाले? अरे नहीं, तेरे ससुराल में प्रॉब्लम हो गई है। क्या? हाँ बैठ, क्या हुआ? मैंने वोट नहीं किया टोस्टी के खिलाफ। वाह, आज से तेरा मेरा नाता खत्म, खत्म। Oh God, वेद भैया तो टूट गए होंगे। नितिका, वेद भैया और बड़े भैया की जोड़ी मानो राम और लक्ष्मण की जोड़ी है। मुझे पता है मुझे। बिना राम के लक्ष्मण को कितनी तकलीफ हो रही होगी। आ जाओ भाई, यहीं रखते जाओ बस। अरे चलो भाई, जल्दी लाओ ना सामान। अरे भैया, टेम्पो सारा सामान उतर गया है। अभी तो दो ही बच्चे हैं, बाकी आ रहे हैं। हाँ, उतर गया ना सारा? हाँ सारा। ठीक, रख दे भाई, रख दे। पशुपतिनाथ जी नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, बैठिए। सारा माल उतर गया जी, अब हमारा माल हमें भी दे दो पशुपतिनाथ जी। आपको पैसों की बड़ी जल्दी रहती है सुंदरलाल जी। अभी तो माल आया है, वो चेक होगा, एक एक पीस चेक होगा, उसके बाद आपको पैसा मिलेगा। बस क्या पशुपतिनाथ जी, आपको इतना भी भरोसा नहीं है हमारे पर? भरोसा? भरोसे के बारे में पिछले कई दिनों में मैंने नए नए सबक सीखे। एक तो आज सुबह सुबह सीखा। भरोसा एक ऐसा शब्द है जिसके बल पर आप किसी को भी सालों साल बेवकूफ बना सकते हैं। सालों साल पुराना भरोसा यूं जो चुटकियों में टूट सकता है। कौन कब किसे कहां कैसे धोखा दे जाएगा, कहना मुश्किल। हर इंसान एक सा नहीं होता पशुपतिनाथ जी। हाँ, पर कोई एक ऐसा होता है जिसके लिए सब एक जैसे हो जाते हैं। क्या हो गया इसको आज? अरे आज के जमाने में तो भाई भाई का नहीं रहा। हम तो फिर भी धंधे के रिश्ते से जुड़े। आज क्या हो गया पशुपतिनाथ जी आपको? तबीयत तो ठीक है, आज सुबह से यहाँ प्रवचन वाली बातें कर रहे हैं। बस अब प्रवचन देना ही रह गया है बाकी। लगता है आज आपको किसी ने गहरी चोट दे दी है। चलो अब चिंता मत करो, आराम से पहले अपना माल चेक कर लो, फिर मेरी पेमेंट दे देना, ठीक है? चलो मैं चलता हूँ, नमस्कार। अच्छा छेदीलाल जी, हाँ, पैसे तैयार हो जाए तो मुझे फोन कर देना है। ठीक है, नमस्कार। मैं कर देता हूं। दूर रह मुझसे। ये झूठा मान सम्मान किसी और को दिखाना, मुझे इसकी जरूरत नहीं। लेकिन मैं समझ में नहीं आ रहा,
मेरे भैया के खिलाफ जाके मेरे पक्ष में क्यों वोट दिया? ओ, शायद शायद उन्हें यह एहसास हुआ होगा कि तू सही है और उन्हें तेरा साथ देना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वेद भैया ने बड़े भैया को हमेशा सपोर्ट किया, चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें वैसा ही करना चाहिए था। पता नहीं इस बार ऐसा क्या हो गया। मैं जानती हूं नितिका, बड़े भैया के खिलाफ जाने का जो फैसला वेद भैया ने लिया है वो उन्हें कितनी तकलीफ दे रहा होगा, और ऊपर से बड़े भैया की नाराजगी। वेद भैया तो सारे फसाद की जड़ आप हैं। फोन क्यों नहीं उठा रही हो टोस्टी? आपसे आखिरी बार बात कर रही हूँ। पोस्टी, मैं तो सिर्फ तुमसे माफी मांग रही हूँ, बस मेरी बात एक बार सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है, आप आगे से फोन मत करिएगा मुझे। नहीं करूंगी, बस एक मौका तो दे दो, मेरी बात सुन लो और फिर तुम। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं सुनना है। आपके और मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं है मालती जी। मुझे सब कुछ मंजूर है टोस्टी, बस मेरी बात सुन लो ना एक बार और फिर तुम जो भी चाहो। फिर आपको समझ नहीं आ रहा? फोन फोन। हेलो मालती जी, मैं टोस्टी की सहेली नितिका बोल रही हूँ। मालती जी, आपको शर्म नहीं आती किसी की हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद करके? क्या? आज आपकी वजह से टोस्टी का घर उजड़ गया है। आप ही की वजह से तेज के घर वालों ने टोस्टी को घर से निकाल दिया है। और आप ही की वजह से तेज भी उससे बात तक नहीं करता। इतना सब होने के बाद भी आपका जी नहीं भरा जो आप बार बार फोन करके परेशान किए जा रहे हैं? अब क्या अपनी तरह तलाक करवाना चाहती है टोस्टी का? दोबारा फोन मत कीजिएगा। मैंने तो कुछ भी नहीं कराया, मुझे पता तक नहीं कि ये सब। एनीवे, अब मुझे बताओ ना, ये सब कैसे हो गया और कब? हेलो हेलो, ये सब क्या हो रहा है? टोस्टी जैसी भली लड़की, उसको इस तरह घर से निकाल देना? ओ, तो टोस्टी को भी घर से निकाल दिया? अरे ये तो होना ही था, मैं तो पहले ही कह रही थी। लेकिन उस लड़की टोस्टी को अगर अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का शौक हो ना, तो हम क्या करें? लेकिन इस सब में एक बात तो बहुत अच्छी हो गई बेटा, हमारा केस और मजबूत हो गया। अरे अब तो समझो कि हम जीत ही गए। मैं अभी वकील साहब को फोन करती हूँ और कहती हूँ कि दोस्ती के माँ बाप से मिलने का सही वक्त आ गया है। इस वक्त अगर वो लोग हमारे साथ मिल गए ना, तो मजा आ जाएगा उस पशुपतिनाथ और उसके बाप उस छेदीलाल को। आज भी मेरा घर है, लेकिन ये तेज तुम्हारा नहीं हो सका टोस्टी।
गुस्सा नहीं आता है मुझ पर? तुम्हारा पति होने के नाते मुझे तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहिए था, तुम्हारा साथ देना चाहिए था, मैं नहीं दे पाया तुम्हें। तुम नाराज नहीं हो मुझसे? लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम हो गया? लेकिन मैंने तुम्हारे खिलाफ वोट किया था दोस्ती। वो तुम्हारा फैसला था तेज। मेरा फैसला? तुम क्या चाहते थे? तुम जानते हो मैं क्या चाहती थी। तुम इस घर में रहकर खुद को निर्दोष साबित करना चाहती थी। तो फिर? मैं बहुत कंफ्यूज हूं दोस्ती। मेरे दिमाग में हजारों 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 चीजें चल रही हैं। मेरा दिल जानता है कि तुम निर्दोष हो, लेकिन मेरा दिमाग कुछ और ही कह रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कंफ्यूज होना तुम्हारी पुरानी आदत है। रेस्टोरेंट में तुम्हारे पापा चाहते थे कि मैं तुमसे बात करूं। मैं भी यही चाहता था। तुमने मना क्यों किया? वो तुम ही सोचो। अरे मैं सोचू मतलब? तो उसी मैं कोई अंतर्यामी हूं क्या जो तुम्हारी मन की सारी बातें जान लूंगा? अरे तुम्हारे दिमाग में क्या है, तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा ना। नहीं बताओगी तो मुझे पता कैसे? तेज, तेज तुम्हारे मामले में मैंने कभी भी दिमाग से नहीं सोचा, हमेशा दिल से सोचा है। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे दिल में क्या चल रहा है उसको समझने के लिए मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद समझ जाओगे। दोस्ती, क्या क्यों रही? तुमने रोका नहीं था ना? मैं रोकता तो रुक जाते। कह के तो देखते। हाय। शर्म शब्द ये तुम लोगों ने डिक्शनरी में से ही काट दिया है? नहीं, तू मेरी बात सुन। मैं बस उस दिन इतना सुनाया फिर भी वापस चले आए। तुम और तुम्हारा परिवार सब लोग मक्कार है, मक्कार। देख डिंपल, देख डिंपल, तुझे मुझे जो कहना है कह ले, लेकिन प्लीज मेरी फैमिली को कुछ मत कहना। बोलूंगी। तुम लोग इंसान नहीं शैतान हो। पहले तो बहुत अच्छा बिहेव करके लोगों को विश्वास में लेते हो और फिर अपना असली रंग दिखाते हो। निकल जा यहाँ से, निकल। भाभी को क्यों? प्राचीन, भाभी डिंपल क्या कर रही है तुम? दीदी मैंने इसे पहले ही कहा था कि अगर वो यहाँ दोबारा आता है तो मुझसे बुरा कोई नहीं हो। एक थप्पड़ पड़ेगा तुझे, चुप हो। दीदी मारो मार लो, लेकिन आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। कैसे हो प्राचीन? दीदी आप इसे अंदर क्यों ले आई? डिंपल चुप कर। दीदी डिंपल बोला ना चुप कर। अंदर जा, नितिका अंदर लेके जा। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाना है ना तो चुप खड़ी रहे, एक शब्द मत निकालना मुंह से। दीदी आप अब भी अंदर दे दिखा रही हैं, वो भी ऐसे लोगों से। ऐसे लोगों से मतलब? मेरे लोगों से। डिंपल मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज बात करने दे मुझे। हाँ प्राचीन आई एम सॉरी।
नहीं भाभी। चलो छोड़, बताओ क्या काम है। नहीं भाभी, आज मुझे कोई काम नहीं है। तो फिर? मैं तो बस आपको ये कहने आया हूँ कि हम सब आपको बहुत मिस करते हैं भाभी, बहुत मिस करते हैं आपको। घर पे इतने सारे लोग हैं, उसके बाद भी किसी की कमी करना किसे कहते हैं। आपके जाने के बाद हमें पता चला, ज्ञान तो चुप सा ही हो गया भाभी, और दादाजी दिन भर अपनी व्हील चेयर लेके घर में घूमते रहते हैं। लगता है शायद आपकी नजर आएंगी। सच कहूं भाभी, ऐसा लगता है कि जैसे धूप में सर से माँ का आंचल हट गया भाभी। प्राचीन रोते नहीं। नहीं भाभी, गलती मेरी है, मैंने आपके खिलाफ वोट किया भाभी। भूल जाओ जो हुआ, रोते नहीं है। भाभी आपने हमारे लिए कितना कुछ किया, और हमने किसने बोला मेरे लिए कुछ नहीं किया तुम लोगों ने। अब देखो, तुम यहां मुझे मिलने आए हो, और जहां तक मुझे लगता है तुमने घर में किसी को बताया नहीं होगा। तो मतलब अगर घर में किसी को पता चला तो डांट खाने की फुल तैयारी के साथ आए हो तुम। देखा, कोई इतना करता है किसी के लिए। तुमने यहाँ आके मेरी हिम्मत, मेरी उम्मीदें बढ़ा दी हैं। मुझे भी लगता है कि शायद कोई होप है, शायद सब ठीक हो जाएगा। हाँ भाभी, गोलू, आपने पहचान लिया इसे? आपके लिए भाभी। मेरे लिए क्यों प्राची? गोलू आपके यहाँ ख्याल रखेगा। और इसका ख्याल कौन रखेगा? डिंपल। प्राची, थैंक यू। भाभी मुझे पूरी उम्मीद है एक दिन आप और गोलू दोनों अपने घर वापस आएंगे।